जो हम नॉर्मली सब्जी में इस्तेमाल करते हैं ये वही वाले जीरे हैं, और ये हमने गुड़ रखा है, गुड़ का भी इस्तेमाल करने वाले हैं इसमें, और ये सादा नमक है। नमस्कार किसान तो साथियों, मेरा नाम सोनू है और फिर मैं एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। तो दोस्तों, आज हम एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम, जो हमारे पशुओं को जब दस्त स्टार्ट हो जाता है तो दोस्तों हमारे पशुओं के ऊपर बहुत से नुकसान होते हैं दस्त की वजह से। बस पशुओं का जो है पाचन शक्ति खराब होती है, और जो है पशु कुछ भी खिलाओ आप, पशु जो है दस्त करना जब चालू कर देते हैं तो उनका सेहत गिरना स्टार्ट हो जाता है। तो दोस्तों उसी टॉपिक पे हम एक वीडियो बनाया है, और बिल्कुल एक समझ लीजिए रामबाण साथियों, इलाज जो है हमारे हमारे पशुओं पशु को दस्त होता है। अभी मेरा ये आप देख सकते हैं, ये हमारी गाय थी, इधर दिखाओ, ये हमारी जो गाय है साहिवाल की, तो इसको भी दस्त का प्रॉब्लम बीच में आ गया था। मैंने ऐसे बहुत से वीडियो देखे थे जिसमें जो है कई वीडियो में हमें बताया बताया कि ये लिप्टस की पेड़ के पत्ते उबाल के उसका पानी छान के पिलाओ, और फिर ये जो है जामुन का पत्ता खिलाओ, ये सब हमने पिलाना स्टार्ट किया तो उससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो हमारे घर में क्या था, नॉर्मली अगर वो जो है जब छोटे बच्चे होते हैं तो मेरे बुजुर्ग जो बाबा थे वो जीरा और गुड़ और चीनी का इस्तेमाल करते थे, तो वो जो है दस्त जो बच्चों को दस्त होता था हमें होता था तो उससे कंट्रोल हो जाता था। तो इसी चीज़ को मैं देखा और फिर मैं जो है अपने इस जानवर पे इस्तेमाल किया। और दोस्तों आपको बता दूं मैं कि केवल 3 खुराक मैं दिया था, सुबह शाम और फिर अगले नेक्स्ट दिन सुबह। सुबह देते ही मेरे गाय का जो है दस्त था बिल्कुल कंट्रोल हो गया, और जो हमारी गोबर का फिर से गोबर जो किया हमारी गाय बिल्कुल टाइट किया। तो तब से मैं अपने गायों पे जो है इसी जो देसी हमारा दवा जो मैं तैयार किया उसी का इस्तेमाल किया, और बहुत ही बढ़िया रिस्पॉन्स आया। बिल्कुल ये समझ लीजिए रामबाण इलाज है ये। तो दोस्तों मैं आपको चलिए दिखाता हूँ कि हम इस दवा को बनाते कैसे हैं, और आपको बना के जो है दिखाते हैं कि किस मात्रा में कैसे बन। तो किसान साथियों आप देख सकते हैं ये जीरा है जो हम नॉर्मली सब्जी में इस्तेमाल करते हैं, ये वही वाले जीरे हैं, और ये हमने गुड़ रखा है, गुड़ का भी इस्तेमाल करने वाले हैं इसमें, और ये सादा नमक है। दोस्तों एक बात ध्यान देना है कि आपको जो नमक इस्तेमाल करना है बिल्कुल सादा ही रहना चाहिए जो हम सब्जी में यूज करते हैं। तो चलिए हम इसका बनाते हैं, दवा तैयार करते हैं। तो दोस्तों हमारे पास जो ये चम्मच है, ये देखिए मीडियम चम्मच है ये, और इस चम्मच से हमें जो है 2 चम्मच जीरा लेना है। एक टाइम का खुराक बनाने में, जो एक टाइम का हम दवा बनाएंगे तो हमें 2 चम्मच जीरा लेना है, यानी कि कम से कम आपको तो 5 से 10 ग्राम जीरा एक टाइम में लेना है जो ये खुराक हम दवा बनाएंगे। और उसके बाद हमें गुड़ अपने अनुसार लेना है, गुड़ भी हम जो है ये 15 ग्राम गुड़ भी ले लेंगे, और ये नमक नमक हम 2 से 3 ग्राम यानी कि आधा चम्मच नमक का इस्तेमाल इसमें। तो दोस्तों ये हमारा एक टाइम का जो है दवा तैयार हो गया है, जो देसी हमारी दवा है एक टाइम का तैयार हो गया है। अब तो दोस्तों इसको हम अभी आपके पास अगर ग्लेंडर हो तो मिक्सी में पिसवा ले, या तो सील बट्टा जो होता है जिसमें मसाले पीसे जाते हैं शुद्ध गाँव में कि आप लोगों के घर पे होगा तो उसमें अच्छे से पिसवा लें। तो चलिए हम आपको इसका जो है पूरा मिक्स तैयार करके फिर आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों ये देखिए मैं इसको बिल्कुल बारीक पिसवा दिया हूँ, ये हमारे सिलबट्टे पे पीस के तैयार हो गया है। तो दोस्तों अभी इसमें हमने नमक और ये जीरा, नमक और जीरा दोनों इसमें मिक्स करके पिसवा दिया है। अब हमें गुड़ जो लेना है, गुड़ हमें अपने मतलब अपने हिसाब से लेना है कि हमारा जानवर अगर इतना गुड़ में नहीं खा रहा है तो थोड़ा गुड़ 5 ग्राम और बढ़ा सकते हैं आप, ताकि आराम से पी सके। तो दोस्तों चलिए हम पेस्ट इसका तैयार करते हैं, दवा बड़े बर्तन में तैयार करेंगे। ये देखिए तो इसमें हमें पूरा जीरा डाल देना है एक टाइम का, कम से कम 10 ग्राम जीरा, दो मीडियम चम्मच का, और गुड़ इतना लेंगे हम ताकि हमारा जानवर अच्छे आराम से पी सके। तो इसमें हम गुड़ डाल देंगे, गुड़ डालने के बाद इसमें हम पानी ऐड करेंगे, इसमें पानी डाल देंगे और बिल्कुल इसको एक शरबत के शेप में मिक्स कर देंगे। ये देखिए तो हम एक शरबत के से में मिक्स करके अपना घोल जो दबा हमारा देसी दबा है इसको ऐसे तैयार कर लेंगे।
अब दोस्तों ये दस्त का नंबर वन रामबाण दवा तैयार हो गया है। अब इसको हम अपने जानवर को देते हैं। हमारे पास एक भैंस है तो उसका थोड़ा वो जो गोबर कर रही है थोड़ा गीला लू जा रहा है, तो हम इसको उसको देंगे। अब देखिए बड़े ही चाव से पी जाएगी। लो चालू हो गया है, इसको भैंस को देने वाले हैं। ये देखिए ये बड़े ही चाव से पी जाएगी, इसको देख सकते हैं आप। दोस्तों इसमें अगर अगर आपके जानवर सही से पी नहीं रहे हैं तो आप गुड़ थोड़ा और बढ़ा सकते हैं, मतलब 15 से 20 ग्राम गुड़ कर सकते हैं ताकि मीठा रहेगा, जानवर अच्छे से आराम से पी जाएगी। अभी देखिए मैं जितना गुड़ डाला था इसमें मेरी भैंस बिल्कुल आराम से इसको पी गई है। और ये बिल्कुल देसी दवा है, इसका कोई साइड इफेक्ट आपके जानवरों के ऊपर नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसमें नॉर्मली जीरा है, नमक है, गुड़ है और इसके सिवा कुछ ऐड नहीं करना है। छोड़ दे भैया, ये देखिए बिल्कुल ही आराम से हमारी भैंस जो है इस दवा को पी गई। तो किसान साथियों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी दबाएं ताकि मेरा अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो से अलविदा लेता हूँ। नमस्कार, राम राम, जय हिंद।